China's new Silk Road has been touted as one of the most ambitious infrastructure projects ever conceived. China has financed large infrastructure projects throughout Africa that critics say have left many poor countries overloaded with debt. Now, in its desperation to make the Belt and Road succeed, China is taking a dangerous path. Ladies and gentlemen, we call this a debt trap. A so-called debt trap. China's debt trap diplomacy. A debt trap. तो पिछले काफी सालों से चाइना पर गरीब और विकासशील देशों को डेब्ट ट्रैप में फंसाने के इल्जाम लगाए जा रहे हैं और विशेषज्ञों का आरोप है कि चीन ने लगभग 40 लाख करोड़ रुपए का कर्ज देकर विकासशील देशों को डेब्ट ट्रैप में फंसा लिया है। और अमेरिका के पूर्व कौशल्य अधिकारी मार्क सोबेल कहते हैं कि कर्ज के बोझ से लदे देशों को राहत देने के मामले में चीन सबसे बड़ी समस्या है और चीन इस मामले में समझौता करने से पीछे हट रहा है। और अमेरिका की शिकायत है कि करार की मनमानी शर्तों की वजह से चीनी कर्ज की स्थितियों में बदलाव मुश्किल है। और उसके अलावा 3 दिसंबर को न्यूयॉर्क टाइम्स में पब्लिश आर्टिकल के अनुसार गरीब और विकासशील देश इस समय गंभीर कर्ज संकट से जूझ रहे हैं और बढ़ती महंगाई, धीमी पड़ती विकास दर, ब्याज दरों में वृद्धि और डॉलर के मजबूत होने से आने वाले माह इन देशों के लिए काफी ज्यादा मुश्किलों भरे होंगे। और इन सब की शुरुआत हो चुकी है क्योंकि श्रीलंका, जाम्बिया और घाना जैसे उभरते देशों में वित्तीय संकट देखे जा सकते हैं क्योंकि गरीब देशों पर अमीर देशों, बैंकों और निजी देनदारों का 16.28 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। और इन सभी देशों को लोन अमेरिकी करेंसी में दिया गया है और ब्याज दर बढ़ने से डॉलर का मूल्य बढ़ता है, इसलिए अब इन कर्जदारों देशों के लिए अमेरिकी करेंसी में लिया गया लोन चुकाना काफी ज्यादा कठिन होता जा रहा है। और चीन ने इन देशों को भारी मात्रा में लोन दिया है जिसमें अधिकतर देश अफ्रीका में स्थित हैं। और चीन की कड़ी शर्तों ने स्थितियों को और भी अधिक पेचीदा बना दिया है। अगर हम एशिया की बात करें तो श्रीलंका, पाकिस्तान और मालदीव चीन के सबसे बड़े कर्जदारों में से एक हैं। और श्रीलंका और पाकिस्तान में इस समय किस तरह के हाल हैं ये देखे जा सकते हैं। और फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पर चीन का 77.3 बिलियन डॉलर का भारी कर्ज बकाया है और श्रीलंका पर 6.8 बिलियन डॉलर का। और फोर्ब्स ने विश्व बैंक की 2020 की रिपोर्ट से डाटा एकत्रित करते हुए यह कहा है कि दुनिया भर के लगभग 97 देश चीनी कर्ज के नीचे दबे हुए हैं और चीन अधिकांश देशों में अपने बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव योजना के तहत पहुंच रहा है और अपनी आर्थिक परेशानियों से निपटने में जुटे देशों को राहत योजनाएं बनाने में दिक्कतें हो रही हैं। दूसरी ओर चीन जैसे बड़े कर्जदाता अपने लोन की शर्तों में बदलाव नहीं कर रहे हैं, इसलिए कई देशों पर डिफॉल्ट का खतरा है। डिफॉल्ट यानी कर्ज ना चुकाने की वजह से ब्याज बढ़ता जाएगा, लिहाजा आर्थिक संकट का और भी ज्यादा विस्तार होगा। पहले इस वर्ष महामारी, महंगाई और यूक्रेन पर रूस के हमले के कारण लगभग 10 करोड़ व्यक्ति गरीबी के चंगुल में फंस चुके हैं। और अगर कर्जदाता देश लोन का भुगतान नहीं करते हैं तो अमेरिका जैसे देश इन देशों को वस्तुओं का निर्यात नहीं कर सकेंगे, इससे विश्व की अर्थव्यवस्था धीमी पड़ेगी, बड़े पैमाने पर भुखमरी फैलने और सामाजिक अशांति का खतरा रहेगा। विश्व बैंक का अनुमान है कि अगले साल लगभग 12 देश डिफॉल्ट के दायरे में आ सकते हैं। वहीं मुद्रा कोष का अनुमान है कि लगभग 60% गरीब देशों के सामने इस साल डिफॉल्ट का खतरा है क्योंकि अस्वाभाविक रूप से 2012 से 2020 के बीच में इन सभी देशों ने चीन से और बाजारों से भारी मात्रा में लोन लिया है जिसे वे अब चुकाने में असमर्थ हैं। तो हम पहले चाइना के श्रीलंका और पाकिस्तान को दिए गए लोन्स की बात करते हैं क्योंकि ये लोन भारत की सुरक्षा चिंताओं को खतरे में डालते हैं क्योंकि चीन और पाकिस्तान का गठजोड़ भारत के खिलाफ ही बना है और चीन की पाकिस्तान को हर मदद भारत को ध्यान में रखकर ही दी जाती है। और पाकिस्तान दिवालिया होने के कगार पर पहुंच चुका है और पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार रीत रहा है। और कुछ समय पहले पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 90,000 करोड़ रुपए की मांग की थी लेकिन इस ऑफर को ठुकरा दिया जाता है। फिर उसके बाद पाकिस्तान ने पीओके के इलाके को 19,000 करोड़ रुपए के कर्ज के बदले में गिलगित और बलिस्तान को चीन को सौंपने की तैयारी कर रहा है और इस क्रम में पाकिस्तान ने गिलगित और बलिस्तान और पीओके के 52 कानूनों को अपने हाथों में ले लिया है। इसके तहत पाकिस्तान सरकार को वहाँ की भूमि को किसी भी देश को लीज पर सौंपने का अधिकार मिल गया है। और इन सब के अलावा कर्ज के बदले में चीन पाकिस्तान में गिलगित और बलिस्तान के हिंजा वैली में नियोबिम की बड़े पैमाने पर खुदाई कर रहा है। हिंजा वैली में माणिक, मोती और कोयले के 120 लाख मेट्रिक टन के भंडार स्थित है और चीन ने हिंजा में एक बड़ी भूमि लीज पर ली हुई है। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान ने ऊपरी हिंजा वैली के इन इलाकों को
चीन को पट्टे पर देने का फैसला कर लिया है। और हाल ही में यहाँ के स्थानीय लोगों ने चीन को लीज पर भूमि जारी होने के विरोध में भारी प्रदर्शन किया था। अगर हम चीन के एजेंडे की बात करें तो चीन ग्वादर पोर्ट और गिलगित बल्तिस्तान को 99 साल के लीज पर लेना चाहता है और हर साल पाकिस्तान पर चीनी कर्ज बढ़ता जा रहा है और न ही पाकिस्तान के पास चीनी कर्ज को पे करने के लिए पैसे हैं। इसलिए भारत की चिंता यह है कि कहीं चीन पाकिस्तान में अपने मिलिट्री बेस ना बसा ले। इसके अलावा अब बात करते हैं श्रीलंका की, क्योंकि श्रीलंका के इस पोर्ट पर चाइना ने सच में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया है और यही पोर्ट भारत की सुरक्षा चिंताओं को खतरे में डालता है और इसी पोर्ट के प्रभुत्व के कारण चाइना पर डेट ट्रैप के आरोप भी लगाए जाते हैं। तो बात करते हैं कि आखिर चाइना ने अपना प्रभुत्व इस पोर्ट पर कैसे स्थापित किया। तो ये पोर्ट श्रीलंका के दक्षिणी छोर पर एक छोटे से शहर हम्बनटोटा पर स्थित है और इस पोर्ट के कंस्ट्रक्शन का काम जनवरी 2008 में शुरू किया गया था और इस पूरे प्रोजेक्ट के आधे से ज्यादा पैसे चीनी बैंक द्वारा दिए गए थे, जो कि थे 307 मिलियन डॉलर और ब्याज दर 6.3%, जो कि काफी ज्यादा थी क्योंकि बहुपक्षीय विकास बैंक आमतौर पर 2 या फिर 3% ब्याज दरों पर लोन प्रदान करते हैं। और इन सब के अलावा इस पोर्ट की ओपनिंग 2010 में श्रीलंका के प्रेसिडेंट द्वारा की गई थी और पोर्ट की ओपनिंग के मात्र 2 साल बाद यानी 2012 में ये पोर्ट एक बड़ा फेलियर साबित होता है और इस पोर्ट पर मात्र 34 शिपों का आवागमन हो रहा था और लोगों द्वारा कई सवाल उठाए गए। और इस पोर्ट को बनाने की सबसे अजीब बात यह थी कि श्रीलंका के पास पहले से ही वर्ल्ड में 22वीं रैंक का पोर्ट कोलंबो में स्थित था, जहां हर साल हजारों में जहाज आ रहे थे और ये दोनों पोर्ट काफी करीब स्थित थे। अगर हम दोनों की तुलना करें तो कोलंबो पोर्ट पर लगभग 3767 के करीब शिप्स का आवागमन हो रहा था, वहीं इस पोर्ट पर मात्र 34 शिप्स का। और इस पोर्ट को बनाने में 1.5 बिलियन डॉलर लगे थे और 2016 तक ये प्रोजेक्ट अपनी 230 मिलियन डॉलर की वैल्यू खो देता है और फिर एक साल बाद 2017 में श्रीलंका को अब 1.7 बिलियन डॉलर चाइना को पे करने थे और ऑफ कोर्स श्रीलंका इन्हें पे करने में असमर्थ था। फिर चाइना द्वारा श्रीलंका को एक ऑफर दिया जाता है और ऑफर यह था कि अब वह इस पोर्ट को अपने अंडर में लेना चाहते हैं और वो भी 99 साल तक। तो पहले तो श्रीलंका द्वारा इस ऑफर को ठुकरा दिया जाता है, लेकिन फिर वह मान जाते हैं और फिर वह चाइनीज कंपनी को वह पोर्ट और उसके आसपास की जमीन चाइना को 99 साल तक लीज पर सौंप दी जाती है और यहां से चाइना पर गरीब और विकासशील देशों को ब्याज देकर उनके देश के क्षेत्रों पर कब्जे करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। और विशेषज्ञों का आरोप है कि चाइना फ्यूचर में पाकिस्तान और श्रीलंका में अपने मिलिट्री बेस स्थापित कर सकता है क्योंकि दोनों देशों पर अभी भी काफी लोन बकाए हैं। हाँ, श्रीलंका पर थोड़े कम लोन बकाए हैं पाकिस्तान की तुलना में, लेकिन चाइना के पास श्रीलंका का पोर्ट स्थित है जहां वह फ्यूचर में अपने मिलिट्री बेस बसा सकते हैं। और इन सब के अलावा चाइना ने भारत के आसपास क्षेत्रों पर काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है। A highway in Pakistan, a new sea port in Sri Lanka, forest city in Malaysia, और इसलिए ये चाइना के ये लोन्स भारत के लिए चिंता का विषय है। और ये तो चाइना के केवल एशिया में एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज की चिंता का विषय है चाइना का अफ्रीका में इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप पर 54 देश स्थित हैं और चाइना ने लगभग 35 से अधिक देशों में 350 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा के लोन दिए हैं और अब अफ्रीका में कई देशों पर चाइना के लोन का भार है जिन्हें वे देने में असमर्थ हैं। और चाइना के इन्हीं लोन्स और अफ्रीका में उनकी इन्वॉल्वमेंट के कारण उन पर डेट ट्रैप के आरोप लगाए जाते हैं। तो हम पहले बात करते हैं कि आखिर ये डेट ट्रैप काम कैसे करते हैं। तो जब भी कोई पावरफुल और अमीर देश किसी विकासशील और गरीब देश को जानबूझकर अधिक मात्रा में लोन प्रदान करते हैं और जब वह देश इन लोन को वापस चुकाने में असमर्थ हो जाता है तो ये देश कर्जदार देश के किसी भी क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेते हैं। और इसमें आगे कहा गया है कि चीन जैसे देश ऐसे देशों को अप्रोच करते हैं जो कि गरीब और विकासशील हो, जिन्हें उनके देश में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की जरूरत हो, जिसमें वे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने का वादा करते हैं, जिसमें वे स्टेडियम, रोड, पोर्ट्स, रेलवे इत्यादि बनाने के ऑफर देते हैं। और यह तो साफ तौर पर जाहिर है कि गरीब और विकासशील देश इस तरह के ऑफर्स को रिफ्यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस तरह के प्रोजेक्ट्स की उनके देशों को जरूरत है, क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट उनकी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं और उनके देश में काफी प्रकार की जॉब्स लाते हैं। तो इसलिए फिर वह चाइना से लोन ले लेते हैं और अब चाइना का लोन देने का काम पूरा हो चुका है। लेकिन चाइना लोन देने से पहले इन सभी कंट्रीज के सामने एक शर्त रखता है जिसमें वह कहता है कि ये सभी प्रोजेक्ट चाइनीज कंपनियों द्वारा किए जाएंगे, जिसमें वे कहते हैं कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स काफी ज्यादा महंगे, बड़े और कॉम्प्लेक्स होते हैं और इन्हें करने के लिए अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है और इस तरह के बुनियादी ढांचों का निर्माण करने में हम दुनिया में सबसे अच्छे, तेज और सस्ते हैं और हमारे पास पूंजी का अधिवेश भी है और इसलिए हम आपको पैसे उधार देंगे। और यही कारण है कि 10,000 से अधिक चीनी स्वामित्व वाली कंपनियां अफ्रीका में काम कर रही है और एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे अफ्रीका महाद्वीप में लगभग 2,00,000 से अधिक चाइनीज वर्कर काम कर रहे हैं। और इन सब के अलावा मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चाइना और चाइनीज कंपनियों द्वारा किए गए प्रोजेक्ट्स फेल हो रहे हैं।
इसलिए चाइना पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि चाइना जानबूझकर यह चाहता है कि वह प्रोजेक्ट फेल हो और फिर वह देश उस कर्ज में डूब जाए और फिर वह चाइना को वह लोन पे ना कर पाए। फिर उसके बाद चाइना लोन माफ करने के बदले में उस देश के किसी क्षेत्र पर अपना कब्जा स्थापित कर ले, और इसका उदाहरण श्रीलंका में देखा जा सकता है। लेकिन श्रीलंका वाला मामला डेट ट्रैप से थोड़ा अलग है, जिसकी बात हम आगे करने वाले हैं। अब बात करते हैं चाइनीज कंपनियों द्वारा किए गए अफ्रीका में प्रोजेक्ट्स की जो फेल हो रहे हैं। तो पहले बात करते हैं केन्या की इस रेल सिस्टम की। ये ट्रेन प्रोजेक्ट चाइनीज कंपनी द्वारा केन्या में बनाया गया था। ये ट्रेन केन्या के नैरोबी से मोम्बासा तक फैली हुई है और इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट थी $3.8 बिलियन और चाइनीज बैंक द्वारा $3.6 बिलियन का लोन केन्या सरकार को दिया गया था। और इस पूरे प्रोजेक्ट की सबसे अजीब बात यह थी कि इस पूरे प्रोजेक्ट को फाइनेंस चाइनीज बैंक द्वारा किया गया, डिजाइन चाइनीज इंजीनियर्स द्वारा किया गया और इसे बनाया भी चाइनीज कंपनी द्वारा ही गया था। और 2020 तक ये प्रोजेक्ट फेल हो जाता है और अपने $200 मिलियन की वैल्यू खो देता है। और जून 2021 तक केन्या को अभी भी $3.3 बिलियन का लोन चाइना को पे करना था, क्योंकि उन्होंने 2013 में चाइनीज बैंक से $3.6 बिलियन का लोन लिया था। और उसके अलावा केन्या सरकार इस प्रोजेक्ट के द्वारा चाइना को ये लोन के पैसे पे करने वाली थी, लेकिन अब ये प्रोजेक्ट तो फेल हो चुका है। और केन्या के इस फेल ट्रेन प्रोजेक्ट के अलावा 2021 में युगांडा के एंटेबे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्थानीय मीडिया द्वारा रिपोर्ट किया गया कि एयरपोर्ट को चीन द्वारा जब्त कर लिया गया है और चीन पर डेट ट्रैप के आरोप लगाए जाने लगे। चाइना is coming for its pound of flesh in Uganda. We call this a debt trap. और इन सब के अलावा भी कई प्रोजेक्ट्स फेल हुए, लेकिन लोगों के लिए जो सबसे ज्यादा अजीब बात है वह है चाइना के फ्री गिफ्ट्स, क्योंकि चाइना ने अफ्रीका में 7 देशों के लिए संसद भवनों का निर्माण किया है, वो भी फ्री। और इन्हीं फ्री गिफ्ट्स को लेकर चाइना पर सवाल उठाए जाते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फ्री जैसी कोई चीज नहीं होती। और इसका एग्जाम्पल देखा गया 2017 में, जब अफ्रीकन यूनियन हेडक्वार्टर जो कि इथियोपिया में स्थित है, इसे चाइना द्वारा 2012 में बनाया गया था। ये चाइना की तरफ से एक गिफ्ट था और चाइना के इस गिफ्ट की कॉस्ट थी $200 मिलियन। और सुनने में काफी अच्छा लगता है कि एक विकसित देश एक विकासशील देश की मदद कर रहा है, लेकिन 2017 में अफ्रीका के आईटी इंजीनियर्स को पूरी बिल्डिंग के सर्वर्स में एक गड़बड़ी पाई गई और अधिक जांच के बाद पता चलता है कि ये सर्वर्स चाइना में कनेक्टेड थे। और छानबीन की गई तो पूरी बिल्डिंग्स में माइक्रोफोन्स पाए गए। चाइनीज हैड प्लांटेड लिसनिंग डिवाइसेस इन डेस्क्स एंड इन द वॉल्स ऑफ द बिल्डिंग। दिस हैड बीन गोइंग ऑन फॉर द लास्ट 5 years। मतलब पिछले 5 साल से चाइना पूरे हेडक्वार्टर की जासूसी कर रहा था और उनके प्राइवेट ईमेल्स और ऑडियो फाइल को चाइना में देखा और सुना जा रहा था। और इस तरह की घटनाएं चाइना की अफ्रीका में इन्वॉल्वमेंट पर सवाल खड़े करती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर अफ्रीका ही क्यों, चाइना इतनी इन्वेस्टमेंट अफ्रीका में ही क्यों कर रहा है? तो इसका सिंपल जवाब है इन्फ्लुएंस और अफ्रीकन रिसोर्सेज। तो हम पहले अफ्रीका के रिसोर्सेज की बात करते हैं। ये चार्ट साफ तौर पर यह दर्शाता है कि अफ्रीका प्राकृतिक और खनिज संसाधनों के मामले में दुनिया के सबसे अमीर महाद्वीपों में से एक है और अफ्रीका में कोबाल्ट, हीरे, यूरेनियम के सबसे बड़े भंडार स्थित हैं। और इसके अलावा क्रोमियम, प्लेटिनम, गोल्ड, कॉपर इत्यादि ये अधिक मात्रा में अफ्रीका में उपलब्ध है। इनमें से कई तत्वों का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में किया जाता है, इसलिए अफ्रीका के रिसोर्स पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण हैं। और इसलिए अफ्रीका एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, जैसे अफ्रीका के ये 6 देश। और इन सभी देशों की इकोनॉमी में 2010 के बाद एक बहुत उच्च विकास दर देखी गई है और इन सभी की GDP लगभग $1 ट्रिलियन है। और इथियोपिया की विकास दर पिछले दशक में 7 से 10% के बीच दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी। और अगर हम चाइना के किसी पैटर्न की बात करें तो चाइना ने इन सभी देशों को लोन दिया है, क्योंकि चाइना भी इस पूरे महाद्वीप की ग्रोथ का हिस्सा बनना चाहता है, इसलिए वह इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है और इन्हें लोन प्रदान कर रहा है। ओके, तो अब इसके अलावा अब बात करते हैं इकोनॉमिक रीजन की। तो लगभग 30 से 40 साल पहले चाइना भी एक गरीब देश था जिसके पास भारी मात्रा में जनसंख्या थी। और अपने देश को इस गरीबी से बचाने के लिए चाइना द्वारा अपनी जनसंख्या को और पूरे देश को चीप लेबर के तौर पर पूरी दुनिया के लिए खोल दिया जाता है। इसके बाद चाइना की इकोनॉमी में एक बड़ा उछाल देखा गया, लेकिन 2010 में चाइना की ये फास्ट ग्रोथ धीरे धीरे खत्म होने लगती है। लेकिन चाइना अभी भी विकसित हो रहा था, तो पिछले काफी सालों से चाइना दूसरे देशों पर निर्भर था और अब चाइना को दूसरे देशों की जरूरत थी ताकि वह अपनी ग्रोथ को और ज्यादा बढ़ा सके। इसलिए वह दूसरे देशों के साथ अपने व्यापारिक संबंध स्थापित कर रहा था और इसी संबंध में चाइना ने अफ्रीका के साथ व्यापार की शुरुआत की। और ये चार्ट साफ तौर पर यह दर्शाता है कि कैसे चाइना ने पूरे अफ्रीका के ट्रेड को 2019 तक टेक ओवर कर लिया है। और अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट का कारण एक ये भी हो सकता है कि जिस चीप लेबर का यूज करते हुए आप इतने ज्यादा अमीर हुए हैं, वह लेबर अब चीप नहीं रही और आपको अफ्रीका के अलावा चीप लेबर और कहां मिल सकती है, क्योंकि 2050 तक
अफ्रीका की पॉपुलेशन दुगनी हो जाएगी और 2030 तक 42% युवा अफ्रीका से होंगे, जिसका फायदा शायद चीन उठाना चाहता है। और इन्हीं लोन्स और इन्वेस्टमेंट के कारण चीन ने पूरे अफ्रीका महाद्वीप पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया है और यही कारण है कि कई अफ्रीकन कंट्रीज इस समय चाइना का सपोर्ट करती हैं और ताइवान को मान्यता नहीं देती हैं। और इसी इन्फ्लुएंस के कारण की वजह से 2022 में कई अफ्रीकन देशों ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की निंदा करने से परहेज किया था। तो चाइना अपने पैसों का यूज करते हुए कई देशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर रहा है, जो कि एक अमीर और पावरफुल देश के लिए आम बात है, चाहे आप यूएस का उदाहरण ले लीजिए। और ये मैप पूरे वर्ल्ड में अमेरिका की मिलिट्री बेसों को दिखाता है। तो ऐसा नहीं है कि चाइना ही केवल ऐसा कर रहा है, चाइना एक सुपर पावर बनना चाहता है और वह यूएस को हराना चाहता है, इसलिए वह अपने पैसों के दम पर इन सभी कंट्रीज पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर रहा है। और डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी पर ध्यान अफ्रीका में चीन के प्रति व्यापक वेस्टर्न कंट्रीज की चिंताओं का एक हिस्सा है, क्योंकि चीनी इन्वेस्टमेंट और चीनी प्रोजेक्ट की वजह से चाइना का इन्फ्लुएंस अफ्रीका में बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अफ्रीका एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और सभी देश अफ्रीका के ग्रोथ का हिस्सा बनना चाहते हैं, इसलिए तो अब सभी देश अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि अफ्रीका में इतनी ज्यादा चीनी इन्वॉल्वमेंट और इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ गई। तो इसके पीछे का बड़ा कारण ये है कि जहां अमेरिका ने सहायता और सामाजिक सेवाओं पर अपनी अफ्रीकी रणनीति को लागू किया है, वहीं चीन यहां पर कई बुनियादी ढांचों का निर्माण कर रहा है। और अफ्रीकी सरकार ने खुद कहा है कि हम सहायता और दान से थक चुके हैं, हम व्यापार करना चाहते हैं, हम भागीदारों की तरह व्यवहार करना चाहते हैं। और इस समय चीन ने कहा कि हम सहायता और दान नहीं करते, हम आपके साथ व्यापार करना चाहते हैं। इसलिए चीन ने पूरे अफ्रीका महाद्वीप पर इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है। और अफ्रीका चाइना पर इसलिए भी विश्वास करता है क्योंकि अफ्रीका चाइना को अपनी तरह देखता है। जैसे चाइना 30 से 40 साल पहले हमारी तरह था, तो हम भी चाइना की तरह विकास कर सकते हैं, क्योंकि अफ्रीका और वेस्टर्न कंट्रीज के पास्ट में अच्छे संबंध नहीं रहे हैं, इसलिए वह वेस्टर्न कंट्रीज पे इतना विश्वास नहीं करते हैं। और ऐसा नहीं है कि अफ्रीका में चाइनीज लोन और उनकी शर्तों को लेकर सवाल नहीं उठाए जाते, क्योंकि तंजानिया के राष्ट्रपति ने एक बार कहा था कि कोई पागल व्यक्ति ही उनकी इन लोन की शर्तों को स्वीकार करेगा। और अफ्रीकी देश इन चीनी शर्तों को इसलिए स्वीकार करते हैं क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प है ही नहीं, क्योंकि पूरे अफ्रीकी महाद्वीप को हर साल $68 बिलियन से $108 बिलियन की जरूरत है 2030 तक अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए, क्योंकि अफ्रीका के देशों को इस तरह के प्रोजेक्ट्स की जरूरत है, इसलिए वे चीनी लोन को आसानी से हां कर देते हैं। तो सवाल उठता है कि क्या चाइना ने जानबूझकर इन देशों को डेट ट्रैप में फंसाया है। तो कई स्कॉलर्स का मानना है कि अभी तक अफ्रीका में ऐसा कोई उदाहरण नहीं देखा गया जहां यह कहा जा सके कि चाइना ने जानबूझकर उस देश को डेट ट्रैप में फंसाया है। उसके अलावा युगांडा में एंटेबे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे वाले मामले में बाद में दोनों पक्षों ने इस बात से इनकार किया कि यह एयरपोर्ट किसी भी प्रकार के खतरे में है। बस चाइना को 2017 में जासूसी वाले मामले में पकड़ा गया था। और रही बात श्रीलंका की, तो डेब्ट ट्रैप में एक अमीर देश विकासशील देश को अप्रोच करता है, लेकिन श्रीलंका वाले मामले में श्रीलंका ने चाइना को अप्रोच किया था, ना कि चाइना ने श्रीलंका को अप्रोच किया था। और इसके अलावा चाइनीज कंपनी ने इस पोर्ट के लिए $1.1 बिलियन का भुगतान किया था 70% हिस्सेदारी के लिए। तो सवाल उठता है कि क्या चाइनीज प्रोजेक्ट का फेल होना तय है। तो इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन चाइना के अगर हम पैटर्न की बात करें तो चाइना इन विकासशील देशों में ऐसे पॉलिटिशियन और फैमिलीज को टारगेट करता है जो कि उस पूरे देश को कंट्रोल करते हैं और वे करप्शन में इन्वॉल्व हों। क्योंकि हम श्रीलंका वाले पोर्ट की बात करें तो ये पूरा प्रोजेक्ट करप्शन में इन्वॉल्व था, क्योंकि जिस जगह पर ये पोर्ट बनाया गया था और जिस प्रेसिडेंट ने इस प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए थे वह उनका होम टाउन था। और खास बात, 2010 में उनके जन्मदिन पर ही इस पोर्ट को ओपन किया गया था। और ये तो साफ तौर पर जाहिर है कि इस पोर्ट में उनके व्यक्तिगत जुड़ाव और भागीदारी थी। तो ये पूरा प्रोजेक्ट भ्रष्टाचार से लिप्त था। और ऐसे कई मामले देखे जा सकते हैं जहां भ्रष्टाचार की वजह से चाइना द्वारा किए गए काम या फिर प्रोजेक्ट्स फेल हुए हैं, और चाहे फिर वह 2008 का कांगो वाला केस हो। तो भ्रष्टाचार और डेट ट्रैप दोनों अलग चीजें हैं। और अगर चीन चाहता है कि उधारकर्ता अपने ऋण में चूक करे, तो उम्मीद है कि चीन विशेष रूप से ऐसे देशों को लक्षित करे जिसमें पॉलिटिशियन भ्रष्ट हो। और श्रीलंका और पाकिस्तान के पॉलिटिशियन कितने भ्रष्ट हैं ये बताने की शायद जरूरत नहीं है। लेकिन अभी तक स्वतंत्र शोधकर्ताओं को ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं जिसमें ये कहा जा सके कि चीन जानबूझकर देशों को डेट ट्रैप में फंसा रहा है। लेकिन देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि अगर ये देश अपना लोन नहीं चुकाते हैं तो चीन की क्या प्रतिक्रिया रहती है।